ब्लैक राइस खीर पीठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम ब्लैक राइस को धो के अच्छे से सुखा लिया है और फिर इसे मिक्सर जार में डाल के हमें पाउडर बना लेना है और फिर हम लोग इसे एक बार छान लेंगे ताकि हमारा पीठा बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बने। तो ये हमारा ब्लैक राइस पाउडर बिल्कुल रेडी है। यहाँ जाएगा चुटकी भर नमक, एक टेबलस्पून चीनी और फिर इसे हमें गुनगुना पानी से अच्छा सा एक डो बना लेना है, जैसे हम लोग आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है एक टेबलस्पून घी ताकि हमारा जो डो है ब्लैक राइस का वो बहुत ही सॉफ्ट बने। इस तरीके से मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट बैटर मतलब सॉफ्ट डो बना लूँगी और फिर हमें इसे रेस्ट करने देना है 15-20 मिनट के लिए। अगर आप लोग आधा घंटा रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी उन्हें रेस्ट करने देते हैं। एक पैन में मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, यहाँ पे मैं गाय का दूध ही यूज़ कर रही हूँ। फिर जाएगा थोड़ा सा केसर और 3 इलायची जिसको मैंने आधा करके डाल दिया है और अभी इसे दूध को चलाते चलाते एकदम लो फ्लेम में मैं आधा कर लूँगी। मतलब अगर आप लोग 1 लीटर दूध यूज़ कर रहे हैं तो इसको आधा लीटर का कर देना है। देखिए यहाँ मेरा दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसका मलाई ऊपर आ चुका है। तो इसे हम लोग अभी गैस बंद करके थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे। अभी एक पैन में मैंने ले लिया है 1 कप नारियल, घिसा हुआ नारियल, उसमें जाएगा 1/2 कप गुड़ और फिर इसे अच्छे से हमें चला लेना है जब तक गुड़ हमारा पूरा पिघल ना जाए। उसमें जाएगा 1 चम्मच इलायची का पाउडर और फिर हमें इसे अच्छे से भून लेना है जब गुड़ पूरा पिघल जाए और नारियल के साथ पूरा मिक्स हो जाए, तब हमारा ये नारियल का जो मिश्रण है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये मेरा नारियल का मिश्रण ऑलमोस्ट तैयार ही है। तो नारियल के मिश्रण को मैंने एक बोल में निकाल लिया, इसमें मैं ऑरेंज का जो छिलका है उसे घिस के डालूंगी एक ग्रेटर की मदद से। आप लोग बस एक चुटकी भर ही डालिए, नहीं तो ये ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। ऑरेंज का जो छिलका है वो डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैं एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लूँगी और अपने हाथों में भी अच्छे से घी लगा लूँगी क्योंकि ये पीठा जब हम लोग बनाएंगे ये हाथों में चिपक सकता है और प्लेट में भी रखने से भी चिपकेगा, इसीलिए अच्छे से आप लोग घी या ऑयल कुछ भी लगा लीजिए और फिर ऐसे छोटे सा एक बॉल बनाएंगे और हाथों में ही हल्का हल्का इसे फैला लेना है। बहुत ज़्यादा मत फैलाइए नहीं तो ये फट जाएगा। उसके अंदर जाएगा हमारा नारियल का स्टफिंग और फिर इसे हमें अच्छे से बंद कर लेना है। अगर आप लोग अच्छे से बंद नहीं किया तो ये दूध में निकल जाएगा और अगर कहीं से भी फट भी जाता है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये अच्छे से आप लोग बंद कर दें और इसी तरह से हाथों में गोल गोल घुमा के हम लोग ऐसे लंबा सा एक शेप दे देंगे। फिर से आइए मैं एक बार और आप लोग को दिखा देती हूँ। ऐसे छोटा सा बना लिया है और फिर उसमें जाएगा नारियल का स्टफिंग और फिर ऐसे हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे और फिर हाथों में ही ऐसे गोल गोल घुमा के इसे ऐसा लंबा सा एक शेप दे देंगे। आप लोग को अगर बॉल भी बनाना है तो छोटा छोटा बॉल भी बना सकते हैं और फिर ये जाएगा हमारे दूध में और दूध में डालने के बाद इसे हम लोग बस 10 मिनट के लिए ही उबालेंगे, नहीं तो ये पूरा पिघल जाएगा, ये पूरा फट भी जाएगा और पिघल भी जाएगा। और फिर इसमें जाएगा 1/2 कप चीनी, पीठा डालने के बाद ही दूध में चीनी डालिएगा और फिर ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल रेडी है। अभी हम लोग इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आप लोग को खीर पीठा का ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कभी ये खीर पीठा आगे खाया है या नहीं।